हेलो एवरीवन, तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि फ्लटर में इमेजेस को कैसे कंप्रेस करें। तो इमेजेस को कंप्रेस करके डेटाबेस में अपलोड करना काफ़ी अच्छी अप्रोच है, क्योंकि इससे हम कम स्टोरेज होते हुए भी ज़्यादा इमेजेस को डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करें। तो यहाँ पर मैंने पहले से एक फ्लटर प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है, जिसमें कि मैंने ये बेसिक UI बनाया हुआ है। तो यहाँ पर हम दिखाने वाले हैं ओरिजिनल इमेज, और यहाँ पर हम दिखाएंगे कंप्रेस्ड इमेज, और पिक एंड इमेज एक बटन है। तो इस पर क्लिक करने पे हम इमेज को पिक करेंगे, और इसके बाद हम कंप्रेस इमेज पे क्लिक करेंगे, जिससे कि जो हमने इमेज पिक की होगी तो यहाँ पर हमें कंप्रेस होने के बाद शो हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने ये होम स्क्रीन बनाई हुई है, जिसमें हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं। 2 इसमें हमारे पास फाइल वेरिएबल है, पहला है ओरिजिनल इमेज को स्टोर कराने के लिए, और दूसरा है कंप्रेस्ड इमेज को स्टोर कराने के लिए, और तीसरा ये पाथ है जो हम कंप्रेस्ड इमेज को देने वाले हैं, जहाँ पे वो सेव होगी। और यहाँ पर हमने 2 एक्सपेंडेड विजेट बनाए हुए हैं, और इसके अंदर हमने साइज बॉक्स पास किया हुआ है। साइज बॉक्स के अंदर हमारे पास एक कॉलम है, कॉलम के अंदर हमारे पास ये टेक्स्ट है ओरिजिनल इमेज, जो कि हमें यहाँ पर शो हो रहा है। और उसके नीचे हमने एक कंडीशन लगाई हुई है कि अगर हमारी ओरिजिनल इमेज नल है, यानी कि हमने कोई भी इमेज पिक नहीं की हुई है, तो हमें ये टेक्स्ट बटन शो होगा, जो कि हमें शो भी हो रहा है। और अगर हमने इमेज पिक की हुई है तो हमें यहाँ पर ये इमेज शो होगी, जो भी हमने पिक की होगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इमेज को पिक करने के लिए एक फंक्शन बना लेता हूँ। तो फंक्शन बनाने से पहले हमें यहाँ पर कुछ पैकेज इंस्टॉल करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आपको 2 पैकेज इंस्टॉल करने पड़ेंगे, जो कि है फ्लटर इमेज कंप्रेस, इसकी हेल्प से हम इमेज को कंप्रेस करने वाले हैं, और एक है यहाँ पर इमेज पिकर, जिसकी हेल्प से हम इमेज को पिक करेंगे। तो वैसे तो हम इमेज पिकर की हेल्प से भी इमेज को कंप्रेस कर सकते हैं, पर वो हमें उतने ज़्यादा ऑप्शंस नहीं देता है। फ्लटर इमेज कंप्रेस हमें काफ़ी सारे ऑप्शंस देता है इमेज को कंप्रेस करने के लिए, तो हम इसलिए इसका यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं इमेज को पिक करने के लिए एक फंक्शन बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक फ्यूचर फंक्शन बनाऊँगा पिक इमेज नेम से। तो इसके अंदर हम सबसे पहले इमेज पिकर का यूज़ करेंगे, जो कि हमने पैकेज अभी इंस्टॉल किया था। और इसके बाद हम यहाँ पर प्लेटफॉर्म डॉट पिक इमेज फंक्शन को कॉल करेंगे। अब पिक इमेज फंक्शन हमसे एक सोर्स एक्सेप्ट करता है, जो कि रिक्वायर्ड है, और ये हमसे एक इमेज सोर्स इसमें हमें पास करना होगा। तो इमेज सोर्स में हम पास कर देंगे इमेज सोर्स डॉट गैलरी। आप चाहो तो कैमरा भी पास कर सकते हो, पर मैं यहाँ पर इमेज को गैलरी से पिक करने वाला हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर गैलरी पास किया है। तो अब ये जो पिक इमेज फंक्शन है, ये हमें एक पिक्ड फाइल का रेफरेंस देगा, जो कि एक फ्यूचर होगा। तो हम इसे सेव करा लेते हैं एक वेरिएबल में, जिसको मैं नाम दे दूंगा पिक्ड फाइल। अब क्योंकि ये फ्यूचर है, इसलिए हम यहाँ पर अवेट लगा देंगे, जिससे कि हमें यहाँ पर एक पिक्ड फाइल मिल जाएगी, जो कि नलेबल होगी। तो इसके बाद हम यहाँ पर एक इफ कंडीशन लगाएंगे, और चेक करेंगे कि जो हमें पिक्ड फाइल मिली है, अगर वो नल नहीं है, तो हम यहाँ पर कुछ कोड लिखेंगे, जो कि होगा कि जो हमने ये पिक्ड फाइल हमें यहाँ से मिलेगी और वो नल नहीं होगी, तो हम उसे इस ओरिजिनल फाइल में स्टोर करा देंगे। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले करूँगा सेट स्टेट फंक्शन को कॉल, जिससे कि हम स्टेट चेंज कर सकते हैं। और इसके बाद हम यहाँ पर ओरिजिनल इमेज इज इक्वल्स टू फाइल कर देंगे। अब ये जो फाइल है, ये हमसे एक रिक्वायर्ड पैरामीटर एक्सेप्ट करती है, जो कि है स्ट्रिंग। तो इसमें हमें उस फाइल का पास देना होता है, तो ये पाथ हम लेंगे पिक्ड फाइल से। तो मैं यहाँ पर पास कर दूंगा पिक्ड फाइल डॉट पाथ। तो अब इतना करने से हम इमेज को पिक कर सकते हैं, और वह हमें यहाँ पर स्क्रीन पे भी शो हो जाएगी। तो उससे पहले मैं यहाँ पर ऑन प्रेस्ड में इस पिक इमेज फंक्शन को कॉल कर दूंगा। तो मैं जैसे ही इस पिक इमेज पे क्लिक करूँगा, तो हमारे यहाँ पर इमेज पिकर ओपन हो जाएगा, और जैसे मैं किसी भी इमेज पे क्लिक करूँगा, तो वो हमारी इमेज यहाँ पर शो हो जाएगी, क्योंकि अब हमारी ये ओरिजिनल फाइल नल नहीं है, इसलिए हमें ये इमेज शो होने लगी। अब इसके बाद हम इमेज को कंप्रेस करने का कोड लिखेंगे। तो इमेज को कंप्रेस करने के लिए हम यहाँ पर एक और फंक्शन बना लेंगे, जो कि होगा फ्यूचर, इसको हम नाम देंगे कंप्रेस इमेज। तो इसके अंदर हम सबसे पहले एक इफ कंडीशन लगाएंगे, जो कि होगी कि अगर हमारी ओरिजिनल इमेज जो है वो अगर नल है, तो हम यहाँ पर रिटर्न कर देंगे नल, जिसका कि मतलब है ये फंक्शन यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, इसके आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि अगर हमारी ओरिजिनल इमेज ही नल है तो हम कंप्रेस कैसे करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पर ये कंडीशन लगाई है।
और इसके बाद अब हम लिखेंगे इमेज को कंप्रेस करने का कोड, जो कि है फ्लटर इमेज कंप्रेस, जो कि हमें मिलेगा अपने इस इमेज कंप्रेसर पैकेज से, फ्लटर इमेज कंप्रेस पैकेज से। तो इसमें हम करेंगे यहाँ पर डॉट, तो यहाँ पर हमें चार ऑप्शन मिलते हैं। पहला है कंप्रेस एंड गेट फाइल, तो इसमें हमें एक पाथ देना होगा फाइल का जिसे हम कंप्रेस करना चाहते हैं, और उसके बाद हमें वो फाइल कंप्रेस्ड फॉर्म में मिल जाएगी। सेकंड है कंप्रेस एसेट एंड इमेज, तो इसमें हमें एसेट का नाम देना होगा जिसे हम कंप्रेस करना चाहते हैं, और उसके बाद हमें यहाँ पर यूइंट 8 लिस्ट मिलेगी, जो कि एक तरह से आप कह सकते हो ये बाइट फॉर्मेट होता है फाइल का, यानी कि हमें बाइट्स मिलेंगी और उसे हमें फाइल में कन्वर्ट करना होगा बाद में। तो ये हम फंक्शन तब कॉल कर सकते हैं जब हमें एसेट इमेज को कंप्रेस करना हो। और तीसरा फंक्शन हमें यहाँ पे मिलता है कंप्रेस विद फाइल, तो कंप्रेस विद फाइल में हमें एक पाथ देना होगा इमेज का जिसे हम कंप्रेस करना चाहते हैं, और उसके बाद हमें यहाँ पर यूइंट 8 लिस्ट मिलेगी जिसे हम बाद में फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। और लास्ट जो फंक्शन है वो है हमारे पास कंप्रेस विद लिस्ट, तो जैसे हम बाकी फंक्शन में फाइल पास कर रहे थे जिसे हमें कंप्रेस करना है, पर इसमें हम बाइट्स पास करेंगे, यानी कि पहले हमें उस फाइल को बाइट में कन्वर्ट करना होगा जो कि यूइंट 8 लिस्ट, तो ये हमें वही बाइट रिटर्न भी करेगा, वो भी कंप्रेस्ड फॉर्म में। इसमें से जो भी आपको सूटेबल लगे वो आप यूज़ कर सकते हो। तो मैं अभी यूज़ करने वाला हूँ कंप्रेस एंड गेट फाइल, तो यहाँ पे मैं मतलब एक पाथ दूंगा जिसे मैं कंप्रेस करना चाहता हूँ, और उसके बाद मुझे एक फ़ाइल मिलेगी जो कि कंप्रेस्ड फॉर्म में होगी। तो पाथ में मैं पास कर दूंगा ओरिजिनल इमेज डॉट पाथ, तो अब ये ओरिजिनल इमेज नल हो सकती है इसलिए हमें यहाँ पर नल चेक ऑपरेटर लगाना होगा। और टारगेट पाथ में हमें उस पाथ को पास करना है जहाँ पर हम इस फाइल को सेव कराना चाहते हैं, क्योंकि हमें यहाँ से एक फ़ाइल मिलेगी तो हमें उसका एक पाथ भी देना होगा जहाँ पे वो फाइल सेव हो। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया हुआ है कंप्रेस्ड इमेज पाथ, तो हम इस पाथ के अंदर उस फाइल को सेव कराएंगे। तो मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ उस पाथ को कंप्रेस्ड इमेज पाथ, और इसके बाद हमें फ़ाइल का नेम भी देना होगा, तो मैं फ़ाइल का नेम कुछ भी दे देता हूँ, जैसे कि फाइल 1.jpg। यहाँ पर आप कोई भी इमेज के एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हो, जैसे कि jpeg, png, जितने भी मतलब इमेज के फॉर्मेट होते हैं वो आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। तो इसके बाद अब हमें यहाँ से एक फ़ाइल मिलेगी, तो मैं उस फाइल को एक वेरिएबल में स्टोर करा लूँगा, इसको मैं नाम दे देता हूँ कंप्रेस्ड फाइल। अब यहाँ से हमें मिलेगी एक फ्यूचर फाइल, तो मैं इसके आगे लगा देता हूँ अवेट कीवर्ड, जिससे कि हमें एक फ़ाइल मिलेगी जो कि नलेबल हो सकती है, तो इसलिए हमें यहाँ पर एक इफ़ कंडीशन लगानी होगी। इसमें हम चेक करेंगे जो हमें एक कंप्रेस्ड फाइल मिली है, अगर वो नल नहीं है तो हम सबसे पहले तो करेंगे सेट स्टेट को कॉल, जिससे कि हमें स्टेट में चेंज देखने को मिलेंगे। अब इसके बाद हमें कंप्रेस्ड इमेज के अंदर इस कंप्रेस्ड फाइल को स्टोर कराना है, तो उसके लिए हम पास कर देंगे यहाँ पर कंप्रेस्ड इमेज इज इक्वल्स टू कंप्रेस्ड फाइल। तो यहाँ पर इतना करने से हमारी इमेज कंप्रेस हो जाएगी, तो मैं अभी इसे करता हूँ सेव, और यहाँ पर हम थोड़ा साइज़ कंपैरिजन भी कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर दोनों इमेज के साइज़ भी प्रिंट करा लेता हूँ, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे ओरिजिनल इमेज नल चेक ऑपरेटर डॉट लेंथ, तो इससे हमें उसकी लेंथ का पता चल जाएगा जो भी हमारी वो ओरिजिनल इमेज की वो होगी साइज़, क्योंकि ये लेंथ जो फंक्शन है ये हमें बाइट्स को काउंट करके रिटर्न करता है। और यहाँ पर हम पास कर देते हैं एक कंप्रेस्ड फाइल डॉट, तो यहाँ पर हमें अब कंप्रेस्ड फाइल की भी लेंथ मिल जाएगी। इसके बाद मैं एक बार कर लेता हूँ ऐप को होल्ड रिस्टार्ट, तो सबसे पहले मैं किसी इमेज को पिक कर लेता हूँ, तो यहाँ पर हमारी इमेज पिक हो चुकी है। तो अब जैसे ही मैं कंप्रेस इमेज पे क्लिक करूँगा, तो हमें यहाँ पर पहले यहाँ पर एक ऑन प्रेस्ट के अंदर कंप्रेस इमेज फंक्शन को भी कॉल करना होगा, तो मैं यहाँ पर जैसे ही अब कंप्रेस इमेज पे क्लिक करूँगा तो हमें यहाँ पर वो इमेज शो हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने बाइट्स जो प्रिंट कराई थी वो यहाँ पर प्रिंट नहीं हो रही है, तो इसलिए प्रिंट नहीं हो रही है क्योंकि ये जो लेंथ फंक्शन है ये हमें फ्यूचर इंट रिटर्न करता है, तो उसके लिए हम यहाँ पर लगा लेते हैं अवेट कीवर्ड, और मैं यहाँ पर भी लगा देता हूँ अवेट
कीवर्ड। और यहाँ पर मैं एक बार होट रिस्टार्ट करके दोबारा ट्राई करता हूँ। तो मैं यहाँ से फिर से उसी सेम इमेज को पिक कर लेता हूँ, और जैसे मैं इस कंप्रेस इमेज पे क्लिक करूँगा तो हमें यहाँ पर उनके साइज़ पता चल जाएंगे। तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कंप्रेस जो ओरिजिनल इमेज है उसका साइज़ ज़्यादा है कंप्रेस इमेज से। और यहाँ पर हम कंप्रेशन का लेवल भी सेट कर सकते हैं। तो अगर आपको कंप्रेशन का लेवल सेट करना है तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक पैरामीटर मिलता है क्वालिटी, ये बाय डिफ़ॉल्ट 95% पर सेट रहती है। तो आप इसे कितने भी सेट कर सकते हो, तो यानी कि अगर मैं इसे 10 सेट कर दूँ तो यानी कि ये 10% क्वालिटी पर रह जाएगी उसके, यानी कि इस इमेज की जो क्वालिटी होगी वो सिर्फ 10% बचेगी कंप्रेस होने के बाद। तो अगर अभी मैं इसे सेव करूँ और मैं इसे दोबारा कंप्रेस करूँगा तो अब उसका साइज़ बहुत कम हो जाएगा इस इमेज का। तो मैं एक बार फिर से इमेज को कर लेता हूँ पिक। जैसे मैं करूँगा इस कंप्रेस इमेज पे क्लिक, तो इस बार ये हमारी इमेज काफ़ी कंप्रेस हो चुकी है, इतनी कंप्रेस हो गई है कि इसके एक डिजिट कम हो चुका है बाइट से। तो मतलब ये काफ़ी ज़्यादा कंप्रेशन है, पर हमें क्वालिटी में एज सच डिफरेंस नहीं पता चल रहा है क्योंकि ये हाई क्वालिटी इमेज थी। तो अगर हम अपनी इस इमेज को जाके चेक करें इस पाथ पे, मैं जाता हूँ अपने फाइल मैनेजर में, और यहाँ पर ये है हमारी ओरिजिनल इमेज जो कि है 3.80 MB की। और अब हम देख लेते हैं कंप्रेस्ड इमेज जो कि सेव हुई होगी फाइल 1.jpg नेम से। तो ये हमारी फाइल 1.jpg नेम से यहाँ पर सेव हुई है और इसका साइज़ है 179 KB। तो ये काफ़ी कंप्रेस हो चुकी है। तो इसी तरह से हम फ्लटर में कंप्रेशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।